क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिस लिया, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सो यहां पर पहला क्राइटेरिया लिया, बेस्ड ऑन ओरिजिन। आइए अब मेंटली यहां व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए। बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन टाइप में हमने डिवाइड किया। जब सीड जर्मिनेट हो रहा था, जब जो है सीड में प्रेजेंट एम्ब्रियो अपना काम कर रहा था, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, बाद में एपिकोटाइल प्लूमूल में, हाइपोकोटाइल रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा था, जब सीड के जर्मिनेशन से सीडलिंग बना था, एक एक स्मॉल प्लांटलेट बना था, उस समय प्लांट के बॉडी में जो सबसे पहली बार ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बने हुए टिश्यू आए, उनको हमने प्रोमेरिस्टियम नाम दिया, प्राइमोर्डियल मेरिस्टियम नाम दिया। तो प्रोमेरिस्टियम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टियम, दे रिप्रेजेंट टाइप ऑफ मेरिस्टियम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल मेरिस्टियम। प्रोमेरिस्टियम ये वेरी सून जो है कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टियम में, मैं आगे बोलने वाला हूं, लिखने वाला हूं। प्रोमेरिस्टियम शॉर्ट लिविंग मेरिस्टियम है, प्रोमेरिस्टियम ही बनाते हैं नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसको हमने प्राइमरी मेरिस्टियम नाम दिया। प्राइमरी मेरिस्टियम अर्ली इन द लाइफ प्लांट के बॉडी में बनेंगे और ये कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट बॉडी, ये लॉन्ग लिविंग मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। हम आगे जो है बहुत अच्छे से समझाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टियम ये प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ करता है, मतलब तो समझिए प्राइमरी ग्रोथ का मतलब, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टियम प्लांट का हाइट लेंथ इंक्रीज होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों लैंग्वेज में हाइट और लेंथ इंक्रीज करेंगे। फ्यूचर में जो है लेट स्टेज ऑफ लाइफ में प्लांट के बॉडी में बेसिकली डाइकॉट प्लांट के रूट, डाइकॉट प्लांट के स्टेम, इवन इन द रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप होगा, ओरिजिनेट होगा। सेकेंडरी मेरिस्टियम जो सर्कमफेरेंस गर्थ या विड्थ ऑफ रूट और स्टेम इंक्रीज करेगा। तीन टाइप का, प्रोमेरिस्टियम, प्राइमरी मेरिस्टियम, सेकेंडरी मेरिस्टियम, मैंने क्या क्या बोला अच्छे से समझते हैं। सो यहां पर बेस्ड ऑन ओरिजिन, आई नीड योर फुल अटेंशन, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हम मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इंटू, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। आइए समझते हैं तीनों टाइप का डिटेलिंग। पहला टाइप लिया मैंने यहां पर प्रोमेरिस्टियम, प्रोमेरिस्टियम ऑल्सो कॉल्ड प्राइमोर्डियल मेरिस्टियम, ऑल्सो कॉल्ड अर्मेरिस्टियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्मेरिस्टियम। थोड़ा सुनिएगा, मैंने इसके लिए क्या डिफिनेशन दिया, ओरिजिनेटेड, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन स्लैश बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग्स। सीडलिंग का मतलब जस्ट प्लांट बना है जिसके पास जो है ग्रीन कलर का छोटे लेंथ वाला स्टेम या सूट है, 20 जो है अबव द ग्राउंड कुछ जो है कुछ प्रिमिटिव टाइप के 3 to 4 लीव्स आए हैं, बहुत छोटा सा प्लांट सीडलिंग है, जो है जस्ट जो है प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। तो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, मैं पूरा लैंग्वेज मेंशन कर दे रहा हूं, हाइपोकोटाइल जो बाद में मैच्योर होके बना लेगा जो है रेडिकल,
एंड इपिकोटाइल, इपिकोटाइल जो बाद में जो है मेच्योर होकर बना लेगा प्लूमूल, ठीक है। सो जो प्रोमेरिस्टम है ये एम्ब्रियो जब रेडिकल प्लूमूल बनाएगा उस समय रेडिकल और प्लूमूल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो के डिवीजन से जो बने हुए हैं उन्हीं को हमने बोला है प्रोमेरिस्टम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। नीड योर फुल अटेंशन हियर, इट रिप्रेजेंट्स, दिस प्रोमेरिस्टम रिप्रेजेंट्स शॉर्ट लिविंग मेरिस्टम, शॉर्ट लिविंग मेरिस्टम, शॉर्ट लिविंग मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम गिव राइज टू प्रोमेरिस्टम कन्वर्टेड इंटू प्राइमरी मेरिस्टम आफ्टर सम टाइम, जब जो है सीडलिंग थोड़ा मेच्योर होके प्लांट में कन्वर्ट होना चालू होता है तब जो है प्रोमेरिस्टम ही प्राइमरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझाऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं, तो देखिएगा प्रोमेरिस्टम से रिलेटेड मैंने क्या क्या पॉइंट मेंशन किया, बात आगे बढ़ाते इरेज करता हूं मैं इसको। थोड़ा देखिएगा, मैंने बोला ये एक सीड है, इस सीड में यहां पर मैंने माना एक एम्ब्रियो है, थोड़ा देखिएगा समझिएगा सुनिएगा, ये सीड है, सीड में यहां पर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के सेंटर पॉइंट को एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, थोड़ा सुनिएगा, ये सीड है में एम्ब्रियो के सेल्स डिवाइड करेंगे, एम्ब्रियो के सेल्स डिवाइड करेंगे, माइक्रोपाइल की तरफ से बनेगा जो है हाइपोकोटाइल और अपोजिट साइड बनेगा इपिकोटाइल, तो इसने डिवाइड होके बनाया जो है इपिकोटाइल और डिवाइड होके बनाया हाइपोकोटाइल, थोड़ा सुनिएगा बात आगे बढ़ा रहे हैं, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल थोड़ा और ग्रो किया, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में और सेल्स डिवाइड होके एड ऑन हुए और यहां पर बन गया इपिकोटाइल, कन्वर्ट हो गया प्लूमूल में और हाइपोकोटाइल कन्वर्ट हो गया रेडिकल में, तो ये यहां पर प्लूमूल आ गया, फ्यू इमेच्योर लीव्स यहां पर आए, ठीक है, और ये यहां पर रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है, जस्ट जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। सो सीड जर्मिनेट हुआ, एम्ब्रियो के सेल डिवाइड होके बना लिए इपिकोटाइल, बना लिए हाइपोकोटाइल, ठीक है, और इपिकोटाइल मेच्योर होके बना रहा है प्लूमूल जिसके पास फ्यू प्रिमिटिव लीफ है प्लूमूल, और ये यहां पर बन रहा है रेडिकल, ये यहां पर बन रहा है रेडिकल। सो प्लूमूल में जो भी सेल्स हैं ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इन सेल्स के ग्रुप को ही हमने बोला है प्रोमेरिस्टम रेडिकल में जितने भी सेल्स हैं ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड हैं और ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं सेल्स को हमने बोला रेडिकल, रेडिकल में प्रेजेंट सेल्स को हमने बोला प्रोमेरिस्टम, पॉइंट समझ में आ रहा है। सो दिस प्रोमेरिस्टम एम्ब्रियो से डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के डिवीजन से जो सेल्स ऐड हो रहे हैं वो सेल्स भी डिवाइड करेंगे, उन सेल के डिवीजन से और ज्यादा सेल ऐड होंगे जिनकी वजह से इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल प्लूमूल और रेडिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, इन्हीं एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो के डिवीजन का रिजल्टेंट जो सेल है स्टिल हैविंग डिवीजन एबिलिटी को हमने बोला प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम। ये अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं, इस पूरे प्लांट बॉडी को हम बोल सकते हैं सीडलिंग, सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग, बाद में प्लांटलेट थोड़ा और मेच्योर होगा, कुछ ग्रीन कलर के जो है परमानेंट लीव्स आ जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, तो सीडलिंग कन्वर्टेड इनटू छोटू सा प्लांटलेट और प्लांटलेट बाद में कन्वर्ट होने लगेगा प्लांट बॉडी में। आई नीड योर फुल अटेंशन। तो एम्ब्रियो के सेल ने डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स एड किए, वो सेल्स दो पार्ट में जो है डिवाइड हुआ इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, मेच्योर हुआ प्लूमूल और रेडिकल में। अभी प्लूमूल और रेडिकल में सेल्स के डिफरेंशिएशन का टाइम नहीं आया कि सेल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परमानेंट हो जाए, तो फिलहाल प्लूमूल और रेडिकल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है दे आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियोनल सेल, डिविजन इन एम्ब्रियो सेल, इसलिए हम इसको एम्ब्रियोनल मेरिस्टम भी नाम देते हैं, थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर जो है प्लूमूल एंड रेडिकल है प्रोमेरिस्टम, दे हैव प्रोमेरिस्टम, बात पकड़िएगा, बात पकड़िएगा, तो सुनिएगा, प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम,
प्रेजेंट इन सीडलिंग और स्पेसिफाई करो इन द प्लूमूल एंड रेडिकल प्रोमेरिस्टिम, इट इज रिजल्ट ऑफ जो है डिवीजन, रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन एम्ब्रियो। दस ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल मेरिस्टम। अभी जो है सीडलिंग बना, प्लांट का बॉडी बहुत छोटा है, जितना भी लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी में प्लूमूल और रेडिकल है, ये सब के सब वाटर एब्जॉर्प्शन और फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही प्लूमूल थोड़ा बड़ा होगा, रेडिकल थोड़ा बड़ा होगा, प्लूमूल जो है वो सूट और स्टेम में कन्वर्ट होगा, कुछ ग्रीन लीव्स और आ जाएंगे, जैसे ही रेडिकल रूट में कन्वर्ट होगा तब हमें परमानेंट सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है ये टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे और टिप के नीचे परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो जो टिप पर प्रेजेंट है, जो प्लूमूल कन्वर्ट हुआ, सूट के टिप पर लोकलाइज्ड हो गए ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, डाउन साइड जो है परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। रेडिकल कन्वर्ट हो गया रूट में, रूट के टिप पर जो है लोकलाइज्ड हो जाएंगे डिवाइडिंग सेल, डाउन साइड जो है कुछ परमानेंट सेल्स का एडिशन चालू हो जाएगा, तो हम उनको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम का ही कन्वर्टेड फॉर्म है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, प्रो मेरिस्टेम गिव्स राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, सो जब तक प्लूमूल और रेडिकल, जब तक सीडलिंग है, प्लांट जो है सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग बना, प्लांटलेट बना, प्लांट बना, तो जब तक सीडलिंग वाला स्टेज है तब तक पूरे एरिया में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रो मेरिस्टेम। सीडलिंग प्लांटलेट में कन्वर्ट हुआ, अब कंडक्शन और स्टोरेज ऑफ फूड एक्सेट्रा की जरूरत पड़ी, तो जो प्रोमेरिस्टम थे ये टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे, प्रोमेरिस्टम जो है वो टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे सूट के और रूट के, तो प्रोमेरिस्टम ही कन्वर्ट हो जा रहा है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम लॉन्ग लिविंग होगा, तो प्रोमेरिस्टम गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम, इसलिए मैंने प्रोमेरिस्टम को शॉर्ट लिविंग मेरिस्टम बोला। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रो मेरिस्टेम, बात समझा कि नहीं, इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं सेकेंड मेरिस्टेम, जिसको हमने प्राइमरी मेरिस्टेम नाम दिया, प्राइमरी मेरिस्टेम। सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, पर सुनिएगा। फॉर्म्ड या ओरिजिनेटेड During early stage of plant life। और सुनिएगा, primary meristem formed by promeristem। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड बाय प्रोमेरिस्टेम। सो प्रोमेरिस्टेम सीडलिंग स्टेज तक था, सीडलिंग स्टेज में जो रेडिकल और प्लूमूल और कुछ लीफ थे, इनमें स्टोरेज का, कंडक्शन का कोई जरूरत नहीं था, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वाटर और फूड हर एक जो है एरिया तक पहुंच जा रहे थे। सीडलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, एक जो है हाइटेड प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ, अब प्लांटलेट में हाइट इंक्रीज हुआ, तो कंडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, एक्सेट्रा के लिए हमें परमानेंट टिश्यू चाहिए। उन परमानेंट टिश्यू को प्रोड्यूस करने वाले ही टिश्यू है प्राइमरी टिश्यू, जो अब लोकलाइज्ड हो गए हैं टिप पर, समझेंगे। तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम, मैं आगे बताऊंगा, प्राइमरी मेरिस्टेम द हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला यहां पर। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी को 1 डिग्री जो है रिप्रेजेंट करते हैं, बट 1 डिग्री मेरिस्टेम पढ़ते नहीं है, 1 डिग्री इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं 1 डिग्री लिख दूं, डू नॉट 1 डिग्री को प्रोनंसिएट एज 1 डिग्री, प्रोनंसिएट एज प्राइमरी। सो प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन
प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट दैट इज इंक्रीज इन, इंक्रीज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाइट या लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट हाइट में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, उस समय के ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ बोला। और प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम, कैसे हेल्प कर रहा है आगे हम बताएंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड होके परमानेंट सेल्स बनाएगा जिसकी वजह से हाइट में इंक्रीज होगा। वेल आई नीड योर अटेंशन, यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंटेड बाय, प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंटेड बाय जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर प्रेजेंट मेरिस्टेम रूट एपिकल मेरिस्टेम, एट रूट अपेक्स रूट के टिप पर कॉमा सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम एट सूट टिप, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, एट बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड ठीक है, एंड इंट्रा फैसिकुलर, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम ठीक है। सो ये जितने भी टर्म्स हैं ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। रूट के टिप पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिनको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम आएगा। शूट के टिप पर मेन एक्सिस जिसको स्टेम बोला, ब्रांचेज के टिप पर, तो मेन एक्सिस इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेम के टिप पर, ब्रांचेज के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है ये अर्ली इन द लाइफ प्लांट के बॉडी में आए। शूट मेन स्टेम और ब्रांच के टिप पर आए, ये रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। आगे मैं अच्छे से हाईलाइट करूंगा, बैम्बू सुगर केन मेज जो है टेरोफाइट के कुछ प्लांट हैं, मोनोकॉट्स वगैरह। सो मोस्टली मोनोकॉट्स में जो नोड और इंटरनोड के नीचे ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं अर्ली ड्यूरिंग लाइफ बनेंगे, इसलिए हम इनको प्राइमरी मेरिस्टेम नाम देंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वैसे तो पार्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, काम करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए, बट अर्ली इन द लाइफ जो है बनते हैं। कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं मैं बताऊंगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अर्ली इन द लाइफ प्लांट बॉडी में आते हैं, इसलिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिप्रेजेंट द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ बनेंगे, और दिस काइंड ऑफ मेरिस्टेम रूट के टिप पर, शूट के टिप पर, नोड और इंटरनोड के बेस पर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दीज आर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, दीज आर मेरिस्टमैटिक टिश्यू, अर्ली इन द लाइफ आए हैं अलग अलग जो है लोकेशन पर रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी मेरिस्टेम। इन सब की एक्टिविटी की वजह से हाइट और लेंथ इंक्रीज होगा, प्राइमरी ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। इरेज कर रहा हूं, और भी बातें लिख रहा हूं मैं, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो ये है, मानते हैं स्टेम, ये इसके ब्रांच मान लेते हैं, ये यहां पर मानता हूं मैं रूट, ठीक है। सो स्टेम के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके ब्रांचेस के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम नहीं दिखा रहा हूं, वेल यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं जो है देर इज नोड, नोड से ही डेवलप होते हैं लीफ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं नोड, समझते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये यहां पर हमने बना दिए लीफ, क्लियर कर दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू प्राइमरी मेरिस्टेम क्या एग्जैक्टली होते हैं, कहां एग्जैक्टली मिलते हैं, जो यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आगे भी आने वाला है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये है यहां पर
सुटेपकल मेरिस्टम, ये भी है सुटेपकल मेरिस्टम, ये भी है सुटेपकल मेरिस्टम। यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग नोड, दिस रिप्रेजेंटिंग नोड, दिस रिप्रेजेंटिंग इंटर नोड, दो नोड के बीच के पार्ट को इंटर नोड बोला। सो यहां पर नोड के बेस पर ये मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया और इंटर नोड के बेस पर ये मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। सो दिस रिप्रेजेंटिंग इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये है रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टम। आई नीड योर अटेंशन। शूट एपिकल मेरिस्टम मेन स्टेम के टिप पर, ब्रांचेस के टिप पर, देन इंटर कैलरी मेरिस्टम बिलो द नोड, बिलो द इंटर नोड, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टम। यहां पर जितने भी मेरिस्टम है दे रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स एड करेगा शूट स्टेम में, ब्रांचेस का शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, नए नए सेल्स एड करेगा। जो है इंटर कैलरी मेरिस्टम डिवाइड करके नए नए सेल्स एड करेंगे, जो है रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करके नए नए सेल्स एड करेंगे, ये सेल फंक्शनली परमानेंट हो जाएंगे। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड्स एड न्यू सेल्स इन प्लांट बॉडी दैट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, उसी को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। थोड़ा सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टम हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में, प्राइमरी मेरिस्टम हेल्प करता है इंक्रीज इन लेंथ या हाइट ऑफ द प्लांट। कैसे? बाय एडिंग एडिंग एंड एडिंग नया 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 सेल्स, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट इंक्रीज होता है। ये नए सेल्स को हम यहां पर मेंशन करते हैं, क्या नाम देते हैं? सो मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, आई नीड योर अटेंशन, डिवाइड्स डिवाइड्स टू एड न्यू सेल्स इन प्लांट बॉडी, इन प्लांट बॉडी कॉल्ड परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू, कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम के प्रोडक्ट को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जैसे हम नाम रख रहे हैं पैरेन्काइमा कोलन, काइमा स्क्लेरेन, काइमा, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, देन प्राइमरी फ्लोयम, देन प्राइमरी मेडुलरी रिज, प्राइमरी मेडुलरी रिज, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन, ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ या हाइट, कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। बात पकड़िएगा। सो प्लांट के बॉडी में लेट इट बी अपर ग्राउंड प्लांट बॉडी और लेट इट बी अंडरग्राउंड प्लांट बॉडी, लेट इट बी शूट सिस्टम, लेट इट बी रूट सिस्टम, अर्ली स्टेज अर्ली लाइफ में जो है शूट एपिकल मेरिस्टम बने, रूट एपिकल मेरिस्टम बने, इंटरकैलरी मेरिस्टम बने, ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में प्लांट में प्रेजेंट डिवाइडिंग सेल्स है। इनको हमने बोला प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करेंगे, नए सेल्स एड करेंगे इन द प्लांट बॉडी, अपर पार्ट में भी, लोअर पार्ट में भी। प्राइमरी मेरिस्टम के डिवीजन से जो प्लांट बॉडी में सेल्स ऐड होंगे वो सेल ग्रुप होके बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। उसमें से मैंने सारे परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टम के प्रोडक्ट को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोला, पैरेन्कोलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होगा। ऑल अबाउट मैंने प्राइमरी मेरिस्टम मेंशन कर दिया। प्राइमरी मेरिस्टम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी है, बट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिनेट हुआ अर्ली इन द प्लांट बॉडी, बट काम करेगा फ्यूचर में सेकेंडरी मेरिस्टम के लिए सरकमफेरेंस या विड्थ इंक्रीज करने के लिए, इसलिए उसको यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया। क्लियर हुआ? बताओ बताओ, क्लियर हुआ? प्राइमरी मेरिस्टम फॉर्म्ड बाय प्रोमेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीज इन हाइट, कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, हाइट
कैसे इंक्रीज होगा, परमानेंट टिश्यू प्लांट बॉडी में ऐड करके। बात आगे बढ़ाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकल मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दीज रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है अर्ली इन द प्लांट लाइफ बनेंगे। बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं इसको थोड़ा। बात आगे बढ़ाते हैं, थर्ड टाइप का मेरिस्टमैटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला मैंने, सेकेंडरी मेरिस्टेम, थर्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन काइंड ऑफ मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। प्रोमेरिस्टेम का प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, टोटली गलत ना, मैं बोल रहा हूं प्रोमेरिस्टेम वो प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की वजह से हाइट और लेंथ इंक्रीज होता रहेगा प्लांट का, जिसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे लेटर स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ। बात सुनिए, समझिए, पकड़िए, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, जब प्लांट के गर्थ का इंक्रीमेंट होना है, प्लांट में स्टेम या रूट का विड्थ, गर्थ या सर्कमफेरेंस इंक्रीज होना है, तो प्लांट के बॉडी में, रूट में, स्टेम में प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू के एक्टिविटी की वजह से जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आए हैं, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इनिशियली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, काम पे लगे हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर फूड स्टोरेज कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ फूड, मिनरल वाटर एक्सेट्रा कर रहे हैं, फ्यूचर में गर्थ इंक्रीज होना है स्टेम का और रूट का। तो जो स्टेम में ये परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, यही डिविजन कैपेसिटी गेन करेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड ड्यू टू एबिलिटी ऑफ परमानेंट टिश्यू टू डिवाइड, और सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बन रहे हैं मुझे बताइए, प्लांट के लाइफ में सेकेंडरी मेरिस्टेम का आना कब हुआ, जब गर्थ बढ़ाना है, लेटर स्टेज, लेट स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ में बन रहे हैं। सो परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिकली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिकली पैरेन्काइमा, जो थ्रू आउट प्राइमरी ग्रोथ डिवाइड नहीं करेंगे, फूड स्टोर वगैरह कर रहे हैं, इनको बोला जाएगा गर्थ इंक्रीज करना है, अब आप डिवाइड करना चालू करो, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस, सुनो 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 तो सही, डी डिफरेंशिएशन सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आगे और आएगा। सो प्रोमेरिस्टेम ने बनाया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बेसिकली पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट हुआ, डिविजन एबिलिटी गेन किया, कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये डी डिफरेंशिएशन हो रहा है पैरेन्काइमा में, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम का, कब डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, गर्थ इंक्रीज होने के समय। इसलिए ओरिजिन के बेसिस पर अब जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनेगा मेरिस्टमैटिक टिश्यू, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेंशन करता हूं मैं। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम 2 डिग्री, नेवर कॉल्ड 2 डिग्री मेरिस्टेम, ये जो है सेकेंडरी का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग लेटर या लेट स्टेज इन प्लांट लाइफ। सुनिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, आइए देखिए, सुनिए, समझिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड बाय डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस इन परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बेसिकली स्पेशली इन पैरेन्काइमा।
डी डिफरेंशिएशन बेसिकली किसमें होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू में होगा। पैरेन्काइमा टिश्यू थ्रू आउट प्राइमरी ग्रोथ परमानेंट टिश्यू के जैसा काम कर रहा है। परमानेंट टिश्यू मैं डिफाइन कर चुका हूं, दे आर मेच्योर डिफरेंशिएटेड इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक फंक्शन। बात समझना, समझना ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम हेल्प इन, हेल्प्स इन इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ या सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑफ प्लांट बॉडी, ऑफ प्लांट बॉडी स्पेशली, या स्पेशली जो है हाईलाइट ही कर देते हैं, रूट एंड स्टेम, लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का, इन सब का गर्थ नहीं इंक्रीज होता है, रूट और स्टेम। और ज्यादा मैं जो है इसमें डीप में जा रहा हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेम और क्लियर कर रहा हूं। सेकेंडरी मेरिस्टेम काम कैसे करता है, बनता कैसे है, ये एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सेकेंडरी ग्रोथ के नाम पे अच्छे से समझेंगे। वेल, सेकेंडरी मेरिस्टेम का गर्थ में इंक्रीमेंट के लिए सपोर्ट करना इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम का हाइट और लेंथ के इंक्रीमेंट में सपोर्ट करना कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, वैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम का गर्थ के इंक्रीमेंट में हेल्प सपोर्ट करना इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने पहले ही बता चुका हूं प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ऐड कर करके। अब मैं बताऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम हेल्प इन, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, मैं पहले लिख चुका हूं, मीन्स इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ, ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ। नीड योर अटेंशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम, बात पकड़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर रख रहा हूं। सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड्स एंड एड, डिवाइड्स एंड एड्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड एंड एड्स की दो टाइप के होते हैं, बाद में हम बताएंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड एंड एड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू विच हेल्प इन, विच हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ। ज्यादा लोड मत लीजिए माइंड पे, सारी बातें मैं आगे जो है कहीं ना कहीं क्लियर होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम, आई नीड योर अटेंशन, केवल केवल और केवल केवल और केवल डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन्हीं में मिलता है। सेकेंडरी जो है मेरिस्टेम का दूर दूर काफी दूर तक मोनोकॉट से कोई लेना देना नहीं है। तो सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम फाउंड इन, फाउंड इन डाइकॉट रूट में मिलता है, डाइकॉट स्टेम में मिलता है, एंड रूट स्लैश स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। पॉइंट समझा? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलता है डाइकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां नहीं मिलता, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा में नहीं मिलेगा। गर्थ डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम का होता है, मोनोकॉट रूट मोनोकॉट स्टेम गर्थ इंक्रीज नहीं करते। मोनोकॉट रूट का मतलब फाइब्रस रूट, फाइबर लाइक रूट, उनका मोटापा नहीं होता है। मोनोकॉट स्टेम में सुगर केन जो है, राइस, व्हीट, ये तो जो है इनका स्टेम थोड़ी ना। तो मोनोकॉट आगे मैं कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा, तो देखते हैं ये इरेज करके और कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। थोड़ा आइएगा, सुनिएगा, देखिएगा मैंने क्या बोला यहां पर।
सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये दो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं जो फ्यूचर में डेवलप होते हैं, जिनको हमने ओरिजिन के बेसिस पर सेकेंडरी मेरिस्टम नाम दिया। वेल, यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम इट इज पार्सली सेकेंडरी मेरिस्टम, ये आगे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, तो सुनिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट है, एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो टर्म्स आ रहे हैं घबराइए मत, कहीं ना कहीं जाके सब क्लियर हो जाएगा, कनेक्ट कर दूंगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इट रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, इसलिए हमने वैस्कुलर कैम्बियम को पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला। ये कॉर्क कैम्बियम तो कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सुनिएगा, जब सीड जर्मिनेट हो रहा था, रेडिकल प्लूमूल आया, सीडलिंग बना, उस समय जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जो है सीडलिंग में था, प्रोमेरिस्टेम नाम दिया। प्रोमेरिस्टेम जब प्लांट थोड़ा हाइट में बढ़ने लगा तो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम में, अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ प्राइमरी मेरिस्टेम आया। प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट होता है रूट एपिकल, शूट एपिकल, इंटर कैलरी और जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से। प्राइमरी मेरिस्टेम जो डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स ऐड करेगा, सेल्स परमानेंट हो जाएंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम के नाम पर, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होगा, प्राइमरी ग्रोथ बोला, प्राइमरी मेरिस्टेम कर रहा है, करते जा रहा है, जाते जा रहा है, फ्यूचर में आया गर्थ इंक्रीज होने का टाइम। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू स्पेशली पैरेन्काइमा प्लांट के बॉडी में ऐड किया था, वो डी डिफरेंशिएट होगा, डिविजन कैपेसिटी गेन करेगा और वही बनाएगा फ्यूचर का सेकेंडरी मेरिस्टेम जो गर्थ में इंक्रीज होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और जो है रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। ओरिजिन के बेसिस पर बातें कंप्लीट हुई। कौन कब बनेगा, कैसे बनेगा, काम क्या करेगा, ओरिजिन के बेसिस पर तीन टाइप के टिश्यू फिनिश किए। आगे ये तीनों टाइप के टिश्यू में कोई ना कोई कनेक्टिविटी रहेगा, आगे की स्टोरी में मैं कनेक्ट करूंगा, रिमाइंड भी करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम में बेस्ड ऑन ओरिजिन फिनिश, रिमाइंड करिए तो सही, माइंड में रिमाइंड। देखिए कोई डाउट हो, प्रो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में बात आगे ले चल रहे हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन इन प्लांट बॉडी, टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू बता रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं।